डायग्राम yes, बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इन ट्राइंगल ए बी पी ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पी में ए बी पी में क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वा प्लस बीपी स्क् फिर हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए बी स्क्वायर फोर ए पी स्क्वायर अब इसको क्या लिख सकते हैं टू बी पी का स्क्वायर अब टू बी पी देखो ये बी पी है बी पी को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी लाइन बी सी बन जाएगी तो यहाँ पे टू बी पी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बीसी क्योंकि ए पी बायसे बी सी ए पी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो फोर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अब बी सी और ए बी क्या है इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इक्वलेटर ट्राइंगल इक्विलेटर मतलब सारी साइड इक्वल है तो ए बी की जगह बी सी बी सी की जगह ए बी कर सकते हैं तो फोर ए बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का ए बी स्क्वायर है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस फोर ए पी स्क्वायर सॉरी इक्वल टू फोर ए पी स्क्वायर अब देखो फोर ए बी में से वन ए बी स्क्वायर माइनस किया थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए बी स्क्वायर ए पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी थ्री बाय फोर ए बी स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन है ऑल्सो डी पी क्या है यहाँ पे देखो ये डी पी है डी पी को क्या लिख सकते हैं हम पूरा बी पी माइनस बी डी यहाँ पे देखो डी पी को लिखा, क्या लिखा बी पी माइनस बी डी अब बी पी क्या है बी सी बाई टू पूरे बी सी का हाफ ठीक है और BD क्या है ये BD है ये पूरे BC का वन थर्ड है तो यहाँ पे BC सी बाई टू लिखा फिर माइनस बी सी बाय थ्री लिखा BD को। तो इसका LCM लिया LCM लेके DP पी इज इक्वल टू ए बी बाय सिक्स आ गया जी वैसे तो BC सी बाय सिक्स था लेकिन क्योंकि इक्ुलेटर ट्रैंगल है तो AB बी बाई सिक्स ये सेकेंड क्वेश्चन आ गई अब इन ट्रैंगल ए डी पी यहां पे देखो ए डी पी में क्या होगा ए डी स्क्वायेर हाइपोटन्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्र प्लस डी पी स्क्र तो ए डी स्क्वायेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्र प्लस डी पी स्क्र इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वो यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन एन इक्वलेटेड ट्रायंगल प्रूव दैट थ्री टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द फोर टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड कि टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड थ्री इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्टू अल्टीट्यूड स्क्वायर ये हमने स्कूल यहां पर ट्राइंगल ए बी सी है तीनों साइड ए ए है एडी पर पेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी में क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ठीक है तो बी डी को क्या लिखेंगे बी सी का हाफ है तो बीसी बाय टू ए, क्योंकि दो आ, तीनों साइड को हमने ए ए लेट किया हुआ है तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि ए डी स्क्वायर जो है वो अल्टीट्यूड है ए डी इसलिए वहां पे कुछ वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बाय फोर फोर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई तो फोर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर तो फोर इंटू ए डी क्या है अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू ए क्या है साइड स्क्वायर यही हमने प्रूव करना था नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन टिक द करेक्ट आंसर जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी की वैल्यू गिवन है ए सी और बी सी ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज गिवन है तो एंगल बी क्या होगा तो हम क्या करेंगे इस पर वो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स तो ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू हमें पता है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था तो अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा ट्राइंगल जो होगा वो राइट right ट्राइंगल होगा ठीक है तो ये वैसे हो जाएगा तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे थैंक यू